आपके साथ रुचिका राज चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज ही सुबह चिराग पासवान दिल्ली से रवाना हुए थे और अभी वो पटना पहुंच चुके हैं और पटना में उनके कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े थे और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए कि किस तरीके से जब चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं तो उनका स्वागत उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। तो आज रामविलास पासवान की जयंती है और इस अवसर पर जहां उनके छोटे भाई पशुपति पारस अलग से उनकी जयंती मना रहे हैं, यानी कि वो अपनी तरफ से पटना में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान के चिराग यानी कि चिराग पासवान उनकी जयंती के अवसर पर वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। जी हम आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा की घोषणा चिराग पासवान ने पहले ही कर दी थी और इस पे लेके कई तरीके के बवाल भी हुए थे, कई तरीके के बयानबाजी भी हुई थी, जहां पशुपति पारस ये कहते नजर आते थे कि किस क्या जरूरत है चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा की, क्या उन्हें आशीर्वाद यात्रा की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने पिता को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनकी मन को शांति, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी इससे। वहीं चिराग पासवान ये कहते नजर आते हैं कि मैं अपने पिता की कर्म भूमि से यानी कि हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा। आपको बता दें कि आज ही 5 जुलाई के दिन चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये आशीर्वाद यात्रा हाजीपुर के सुल्तानगंज से शुरू होगी और इसको लेकर के आज चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं। आज सुबह जब चिराग पासवान दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो उनसे जब मीडिया ने से वो मुखातिब हुए तो उन्होंने कई तरीके के सवाल के जवाब तो दिए, लेकिन इस दौरान वो भावुक होते भी नजर आए, वो रो दिए थे। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उन्हें सहानुभूति मिल रही है, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से रामविलास पासवान के देहांत के एक साल भी नहीं हुए और उनकी पार्टी में टूट हो गई, उनके चाचा उनका साथ छोड़ दिया और ये कहते वो हमेशा से नजर आ रहे हैं कि मैं जब पापा मरे थे तब मैं अनाथ नहीं हुआ था, मैं अनाथ अभी हुआ हूँ जब मेरे चाचा और मेरा भाई यानी प्रिंस राज मेरा साथ छोड़ दिए हैं और बस उनकी माँ उनके साथ है। ये कहते उन्होंने वो कई बार देखे गए, उन्होंने मीडिया से भी कई बार बातचीत की और इस दौरान उन्होंने यही कहा। साथ साथ उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की भी बात कही कि मैं अपनी माँ के आशीर्वाद से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करूँगा और इन सब बातों को कहते हुए कहीं ना कहीं वो भावुक होते नजर आए और कई बार मीडिया से मुखातिब होकर वो भावुक हुए हैं। इसको लेकर के अब उनके समर्थकों में एक अलग सा जोश दिख रहा है और जब वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे इसको लेकर के चिराग पासवान की गुट जो चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं उनमें एक अलग सा जोश उनके आने से दिखने लगा है और आज ही से वो अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस पे पशुपति पारस का क्या कहना है क्योंकि चिराग पासवान के समर्थन में काफी लोग आ चुके हैं और ये देख करके देखना ये होगा कि राजनीतिक गलियारों में क्या कोई हलचल होती है, क्या चिराग पासवान को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है जनता के द्वारा उससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी का मन पिघल सकता है और वो चिराग पासवान को सपोर्ट कर सकते हैं। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।